अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। 2024 आ गया, 2020, 21, 22, 23 जैसे भी गुजरे उनको हमें भुला के 2024 पे एम्फसाइज करना चाहिए। 2024 एक बहुत ही खास साल है जिसके अंदर हम वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जब मैं ये कहता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमने कोशिश की, हमने काम भी बहुत अच्छा किया, ज़्यादा घंटे काम किया, तवज्जो से भी किया, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे। तो आज की जो वीडियो है ये उससे आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि नतीजे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप एक चीज़ नहीं कर रहे साथ में, वो है विजुअलाइजेशन, है जी, और मैनिफेस्ट नहीं कर रहे आप चीज़ों को ना, विजुअलाइज करना और मैनिफेस्टेशन जो है उसके ऊपर आज बात होगी कि अपने काम के साथ, अपनी तवज्जो के साथ ये चीज़ें कैसे करनी है और ये चीज़ें कैसे हम पॉजिटिवली अपनी फेवर में लेके जा सकते हैं और कैसे हम नेगेटिवली अपने अगेंस्ट ही ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये बात करते हैं कि आपने जो वो कामयाबी अचीव करनी है जिसमें आपको दुश्वारी आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी हिम्मत नहीं बांध रही और आप हाफ हार्टेडली कोशिश करके आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होता। मैंने क्योंकि ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह किया है तो मुझे इस पर यकीन है, बिलीव है और मैं इसको फर्दर यूज़ करके अपने लिए और फ़ायदे हासिल कर रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी विजुअलाइजेशन के और मैनिफेस्टेशन का सहारा लें और इसको यूज़ करें प्रॉपरली ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारा यकीन और बिलीव होना चाहिए कि ये काम कामयाब होगा। अगर हम इस अप्रोच के साथ कोई काम करेंगे ना कि देखते हैं हो गया तो सही है, नहीं तो कुछ और काम देख लेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ऑलरेडी अपने जहन में एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि ये काम नहीं चलेगा और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी है। जब हम जो काम हम कर रहे हैं, पहली बात यह है कि हमें ये सोच रहना चाहिए कि हमने ये काम करना है। जो भी काम है आपके सामने, जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे शौक का काम है, मुझे इसमें बिल्कुल थकन नहीं होती, मैं बिल्कुल रात 12 बजे तक अगर काम करता रहूँ मुसलसल तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और हर उस बंदे को प्रॉब्लम नहीं है जिसका वो काम शौक है, पैशन है। इसीलिए जो दुनिया का बहुत ग्रेटेस्ट साइंसदान है आइंस्टाइन ने कहा था कि ये एक बहुत ही कमाल बात है कि इंसान वो काम कर रहा हो जो उसका शौक है, तो उस काम में वो बहुत एक्सेलेंस हासिल करेगा। तो पहली बात यह कि काम को चूज करें कि ये वाला काम करना है, उसमें फिर बिल्कुल यकीन रखें कि आप उससे उसमें बेहतर होंगे और कामयाबी और तरक्की होगी। जो विजुअलाइजेशन है वो क्या टेक्निक है और मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है, विजुअलाइजेशन ये है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं हम उसको अच्छी तरह से ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम उसमें कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और उसको हम विजुअलाइज करें कि वो हम वो तरक्की करके किस स्टेटस पे हैं, किस मकाम पे हैं, किस फ्रीक्वेंसी और किस जो है ना वो स्टेटस के ऊपर हम हैं जबकि हम काम करें। याद रहे कि अभी हमने वो मकाम अचीव नहीं किया लेकिन हम अपने जहन में वो चीज़ पुख्ता कर रहे हैं कि हम वो हासिल कर चुके हैं या वो मसला ही कोई नहीं है, वो डेफिनेट हम हासिल करेंगे। अब यहाँ पे आम बंदा या गरीब आदमी या जो लोग अचीव नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं कि चीज़ें काम नहीं कर रही, उनका क्या प्रॉब्लम होता है, वो हर उस कामयाब इंसान को देखते हैं और उसको उनको उसमें अट्रैक्शन नजर आती है कि यार ये कामयाब है ये, और हम भी हो जाएं ये भी वो सोचते होंगे, लेकिन साथ ही वो सोचते हैं कि शायद ये मुश्किल है, हम शायद नहीं हो सकते, ये हो चुका हुआ है, या कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं वो दिल में उनका ख्वाहिश होती है कि यार ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम नहीं हो सकते। अब ये क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिव यूज़ ऑफ विजुअलाइजेशन का, यानी खुद अपनी नाकामी ही जहन में सोच रहे हैं और अगली की कामयाबी से मुतासर भी हो रहे हैं और खुद अपनी नाकामी को जहन में सोच रहे हैं। उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी कामयाबी को जहन में सोचें कि हम कामयाब हो रहे हैं, कोई वजह ही नहीं है कि हम कामयाब ना हों, जबकि हम पूरी तनदही से काम कर रहे हैं, जबकि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जबकि हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि हम हर उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं जो कि करना है, तो डेफिनेट कामयाबी होगी। अच्छा, जो लोग कामयाब होते हैं ना वो कभी भी डाउट नहीं क्रिएट करते अपनी एफर्ट्स के अंदर, ना ही एफर्ट्स के अंदर डाउट क्रिएट करते हैं, ना ही सोच के अंदर डाउट क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग एफर्ट में तो
क्लियर हो जाते हैं कि हमने एफर्ट की और ये हम कर रहे हैं, लेकिन सोच में वो डाउट क्रिएट कर देते हैं, तो वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना सीख लें, आप अपना देखें कि मेरा बहुत अच्छा शानदार घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास नौकर चाकर है, मेरे पास सरमाया है, मेरे पास असासे हैं, आप उसको विजुअलाइज कर लें। देखें, एक बात याद रखें, मैं क्योंकि पिछले 30 साल से इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30 साल पहले कुछ भी नहीं थे, आज वो बड़े बड़े नाम हैं, मुल्की सतह के ऊपर बहुत बड़े नाम हैं। मैंने उनको खुद 2500 तनख्वाह वसूल करते हुए मोटरसाइकिल पर फिरते हुए देखा हुआ। तो जब मैंने देखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे यकीन है कि अगर उन लोगों ने अचीव किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब हमें वैसे यकीन होता है ना, तो फिर हम उसको विजुलाइज करते हैं कि हमने कैसे वो अचीव करना है जो कि हम कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी पोजिशन क्या होगी। एक बात याद रखें, जो ही हम जहन में अपना खाका बनाते हैं ना कि हम क्या हैं या हम क्या बनेंगे, तो वही हम बन जाते हैं। जैसे वालदैन कभी गलती करते हैं ना कि बच्चों को डांटते हैं कि तुम निकम्मे रहोगे, खाना कहाँ से, रोटी कहाँ से खाओगे, तुम जेल में जाओगे, ये वो बच्चा अगली आने वाली ज़िंदगी में वैसा ही करता है, जेल में भी जाता है, भूखा भी होता है, वो उसको मसले मसाइल यही पेश आते हैं। उसकी वजह कि उसको सबकॉन्शियस के अंदर एक फीड कर दिया गया है। इसके बरक्स अगर बच्चे को आप कहेंगे बेटा आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना क्वालिटीज़ हैं, आप जो है वो बहुत अच्छा करोगे, बहुत बड़ा करोगे, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, तो वो क्या होता है कि उसकी जो सबकॉन्शियस है ना, उसके अंदर वो चीज़ें फीड होना शुरू हो जाती हैं, और वो उनको फीड कर करके वो उसको रियलाइज़ करना शुरू कर देता है कि वाकई अगर, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं ना, वालदैन हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, मिलने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर ना हम ट्रस्ट बहुत करते हैं, क्योंकि वो हमें जो भी बात बताते हैं हम उसको निस्बतन बेहतर समझते हैं कि ये हमारे वेल विशर्स हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि बंदा वालदैन की कोई जैसी बात है उसको चेंज करे, चैलेंज करे। ज़्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन के लेवल पे ये चीज़ है कि आपको काम के साथ साथ विजुअलाइज करना है कि वो मकाम मेरा है, वो मैं हासिल करूँगा, वहाँ मैं पहुँचूँगा, और उसके अंदर कोई भी रिकावट नहीं है। तो तब आपका काम भी उस हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। और जो मैनिफेस्टेशन है वो भी दरअसल इसी तरह की चीज़ है कि जो आपने अभी अचीव नहीं किया, आप उसको अपने जहन में अचीव किया हुआ महसूस करते हैं कि मैं ये अचीव कर चुका हूँ। आप अपने आप को इस तरह फील करते हैं कि मैं अचीव कर चुका हूँ, मैं एक ग्रेट इंसान बन चुका हूँ, मैं एक जो भी हासिल करना, जो गाड़ी हासिल करना चाहता हूँ मैं अचीव कर चुका हूँ, गाड़ी हासिल कर चुका हूँ, जो मुझे पैसा रिक्वायर्ड है वो मैं पैसा हासिल कर चुका हूँ। वो फीलिंग, वो जज्बात, वो ख्यालात जब आपके पैदा हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप छोटी सी मिसाल है, आप अगर इसको करके देखें कि जब आप जहन में फर्ज करें कोई खट्टी चीज़ का तसव्वुर लेके आए जहन में कि आप जो भी खट्टी चीज़ है वो खा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप फर्ज करें, वो एक लतीफ़ा भी पिछले साल में शुरू हो गया था कि कोई बंदा माल्टे बेच रहा था और वो कह रहा था कि मतलब वो कह रहा था कि वो खट्टे मीठे माल्टे कह रहा था, लेकिन वो जो मुँह में वो खा रहा था तो वो इंतहाई खट्टे थे और उसकी फीलिंग आ रही थी, वो खटास देखने वाले के मुँह में पैदा हो रही थी। ये क्या है कि खा वो रहा है लेकिन हम देख रहे हैं और हमारे जहन में वो बिल्कुल वही फीलिंग आ गई है। जैसे आपको कोई अच्छे खाने का कोई इजहार करे कि ऐसा खाना होगा, गरम गरम होगा, साथ में ये होगा, साथ में वो होगा, तो आपके जो टेस्ट बड्स है ना वो उसमें मुंह में पानी आना शुरू हो जाता। ये क्या है कि हुआ नहीं है, ये हमारे जहनी तसव्वुर के अंदर हम उस लेवल पे पहुंच गए कि जैसे हम वो चीज़ खा रहे हैं, या हमारे जहन में जो है वो ऐसा लगा जैसे हम खा चुके हैं, वो टेस्ट हम ले चुके हैं, ऐसा फील हुआ। यही चीज़ जो है वो आपको रियल लाइफ में काम आती है कि जबकि आप अभी वो मकाम पे पहुंचे नहीं हैं, लेकिन आप रियलाइज़ कर लेते कि मैं उस मकाम पे पहुंच गया, और आप वैसा ही एक्ट करना शुरू करते हैं, वैसा ही दिखना, वैसा ही बोल चाल, वैसी चाल ढाल, सक्सेसफुल लोगों की तरह आप वो करना शुरू करते हैं। तो जहन जो है वो, जो ही हम जहन को बता रहे हैं, जो ही जहन को हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, वही हम हैं, वही जहन जो है वो हमें बना रहा है। तो जहन को कि ये समझता नहीं कि ये रियलिटी है या ये अफसाना है, वो नहीं समझता, जहन नहीं समझता। तो इसलिए जब हम अपने जहन को ये रियलाइज करवाने में कामयाब हो जाता है कि हम अचीव कर सकते हैं, हमारे में पूरी सलाहियत है, हम डेफिनेट अचीव करेंगे, कोई दुनिया की ताकत बीच में, कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, तो
और साथ ही साथ ये नहीं कि हमें सिर्फ सोचना ही है, साथ ही साथ हमने भरपूर एफर्ट से काम करना है इस यकीन के साथ कि वो हम अचीव करेंगे, क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए काम करना जरूरी है। लोग अगर विजुलाइज अच्छा करना शुरू कर दें तो काम करना छोड़ देते हैं, अगर काम अच्छा करना शुरू कर दें तो विजुलाइज करना छोड़ देते हैं। तो ये हर इंसान के साथ होता है, मैं खुद भी रोज आज सुबह मैं ये चीज कर रहा था, रात को कुछ और ख्याल आते हैं, सुबह इस चीज को चेंज किया। तो फिर आपके ख्याल जब आपके आपके ख्याल आपके एक्ट के साथ जो मैच करते हैं ना, तो फिर आप वो हासिल कर लेते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। तो ये टेक्निक है जो कि 2024 में अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो डेफिनेट आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि रुकावट बाहर नहीं है, बाहर कोई रुकावट नहीं है, रुकावट हमारे अंदर ही होती है। हम खुद ही सेल्फ डाउट करते हैं और फिर ऐसी विजुअलाइजेशन करते हैं कि वो तो कामयाब हो गया, हम तो नहीं हो सकते। हालांकि अगर देखें तो उसने 20 साल 25 साल पहले सफर शुरू किया था, नेचुरली उसने आगे ही होना था हमसे। आज हम शुरू कर रहे हैं तो हमें भी कोई 5-10 साल लग सकते हैं अगर बहुत तेज हम तरक्की करें। तो ये क्या होता है कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन की वजह से लोग उसी जगह से बल्कि उससे फर्दर बिहाइंड होना शुरू हो जाते हैं जबकि वो इस चीज को समझते नहीं है। तो ये टेक्निक है जो कि काम करती है, मैंने इससे बहुत कुछ अचीव किया। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ हूं, सामने मेरा घर था, वहां से मैं इस बिल्डिंग को देखा कर इस प्लॉट को देखा करता था कि यहां मैं इस तरह से अपने लिए ऑफिस बना लूंगा, बिल्डिंग बना लूंगा। आज ये बिल्डिंग मौजूद है, इसको 5-6-7 साल लग गए, लेकिन वो जो विजुअलाइजेशन थी, वो जो मैनिफेस्टेशन थी, वो रियल सेंस में आज सामने है। और इस तरह से बेशुमार चीज़ें जो जिंदगी में मैंने अचीव की हैं और वो मैं आपके साथ अपनी चीज़ें जो भी तजुर्बात हैं वो शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।